हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग भारत देश के एक प्रमुख चिड़ियाघर के बारे में है जिसका नाम है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। जी हाँ दोस्तों, देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत नंदनकानन को जंगल के अंदर बनाया गया है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थापित किया गया है। यहाँ पे हमें वाइट टाइगर, मेलेनिस्टिक टाइगर, टाइगर, क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, फिश, बर्ड्स इत्यादि देखने को मिले, जिसके बारे में हम आपको आगे डिटेल से बताएंगे। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये आपको दिखाई दे रहा है लेआउट मैप ऑफ जूलॉजिकल पार्क, जहां हमें एनिमल से मिलने के रास्ते दिखाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम किंगडम मैमेलिया की ओर। ये हमारा सबसे पहला एनिमल है बियर, जिसका साइंटिफिक नेम है मेलुरसस अर्साइनस। इसे हम आलसी भालू के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन होता है और आप देख सकते हैं कितनी फुर्ती के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं हिमालयन बियर की ओर, जिसका साइंटिफिक नेम है सेलेनाक्टोस थिबिटेनस। आप देख सकते हैं ये काले रंग का है। इसके बाद हम आगे पैंथर देखने चलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथ्रापाडस। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं इंडियन फॉक्स, जिसका साइंटिफिक नेम है वल्पेस बेंगालेंसिस। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर हम एशियाटिक लायन की ओर चलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथ्रा लियोपार्सिका। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। दोस्तों नंदनकानन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। फिर हम दोस्तों आगे चलते हैं टाइगर की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये है टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथ्रा टाइग्रिस। झुंड में तो गीदड़ आते हैं, लेकिन शेर अकेला ही आता है। रजनीकांत का ये फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो आज देख भी लिख दीजिए दोस्तों, ये है टाइगर। अरे यार, ये तो वापस भी चला गया। फिर हम आगे चलते हैं बंगाल टाइगर की ओर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथ्रा टाइग्रिस। आप देख सकते हैं, गौर से देखिए दोस्तों, ये है बंगाल टाइगर। फिर हम आगे चलते हैं बंगाल टाइगर की ओर, मेलेनिस्टिक टाइगर। दोस्तों नंदनकानन जो है मेलेनिस्टिक टाइगर और वाइट टाइगर के संरक्षण के लिए फेमस है। यहाँ पे वाइट टाइगर एवं मेलेनिस्टिक टाइगर को साथ में रखा गया। आप देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है दोनों। फिर हम आगे चलते हैं टाइगर सफारी, वेलकम टू टाइगर सफारी। साथियों, नंदनकानन को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा बाघों, भारतीय पेंगोलिन और लंबे बिल वाले गिद्धों के संरक्षण प्रजनन के लिए मान्यता दिया गया है। तो हम आगे चलते हैं डियर सफारी, यहाँ आपको काला हिरण और हिरण देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, ये हिरण है और दोस्तों ये देखिए काला हिरण। फिर हम आगे चलते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है सांभर और हिरण, आप देख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं नीलगाय की ओर, ये आपको दिखाई दे रहा है वीडियो पे नीलगाय। दोस्तों वेलकम टू एलिफेंट सफारी, यहाँ पे आपको भारतीय हाथी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं मिट्टी के साथ खेल रहे हैं हाथी, एलिफेंट। फिर हम देखने चलते हैं असम के मंकी, यहाँ पे मेरे बड़े भैया मंकी को अपने कंधे पे बैठाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं मंकी। फिर हम आगे चलते हैं जिराफ बाड़े में, जिसका साइंटिफिक नेम है जिराफा कैमेलोपार्डालिस। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना विशाल का जिराफ है, इसकी गर्दन बहुत ही लंबी होती है और ये अपने कान अपने 9 इंच लंबे जीभ से साफ करता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ हम इसके मूवमेंट को कैद करने की कोशिश किए हैं कैमरे में। हमें सबसे बेस्ट है यहाँ के जिराफ लगे हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो हमने कभी नहीं देखा था जिराफ, लेकिन यहाँ देखने को मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिराफ खाना खा रहा है। आगे हम रेप्टाइल वर्ल्ड की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो पे कितना विशाल डायनासोर दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा हमें महसूस हो रहा है कि हम डायनासोर देखने जा रहे हैं। वैसे तो रियल में डायनासोर हमने कभी देखा नहीं है। आप देख सकते हैं, यहाँ फोटो पे ही देख लीजिए डायनासोर कितना बड़ा है। हम आगे देखेंगे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मीन्स सांप, स्नैक्स। ये यहाँ का मैप है, आप यहाँ देख सकते हैं। मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, एनाकोंडा दिखाई दे रहा है और यहाँ के फोटोस वगैरह लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्नैक्स, फिर यहाँ हम आगे देखेंगे
पाइथन, जिसे रेटिकुलेटेड पाइथन भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही लंबा है, लगभग 9 से 10 फीट ये लंबा होता है और इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर आगे चलते हैं किंग कोबरा की ओर, जिसका साइंटिफिक नेम है ओफियोफेगस हना। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है भारतीय स्नैक किंग कोबरा, भारतीय सांपों का राजा बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं हम पाइथन की ओर, जिसका साइंटिफिक नेम है बर्मेस रॉक। आप देख सकते हैं ये चट्टानों में रहता है, इसी कारण इसका नाम पड़ा है बर्मेस रॉक। रेप्टाइल वर्ल्ड में हम आगे चलते हैं, यहाँ हमें एक विचित्र प्रजाति दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कैमेलियन जेलानिकस। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही विचित्र प्रजाति का हमें प्राणी दिखाई दिया है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रेड एंड ग्रीन इक्वाना। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है रेड इक्वाना, फिर आगे इसका भाई मिलेगा हमें ग्रीन इक्वाना। आप देख सकते हैं इसके बाद हम आगे टर्टल देखने चलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है निंजा टर्टल, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रायोनिक्स जेंजेटिकस। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है, वैसे तो इसे बहुत ही स्लो माना जाता है, लेकिन एक बार ये खरगोश को भी पीछे छोड़ गया था। आगे हम क्रोकोडाइल देखने चलते हैं, वेलकम टू क्रोकोडाइल आइलैंड। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स ही क्रोकोडाइल हैं। हमें तो इसका शूटिंग करते समय ही बहुत डर लग गया था, इसी कारण आप देख सकते हैं स्क्रीन बहुत हिल रहा है, ये क्रोकोडाइल है दोस्तों। आगे हमें इसके बहुत सारे प्रजाति देखने को मिलेगा। ये है क्रोकोडाइल सिमेंसिस, इसके बहुत सारे बाड़े थे जिसमें से ये एक है, इसे हम घड़ियाल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे प्रजाति यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी उन्हीं का एक रूप है, देख सकते हैं आप। आगे हम वाटरलैंड की ओर चलते हैं, वेलकम टू वाटरलैंड। यहाँ आपको हिप्पोपोटेमस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस, ये बहुत ही वजनदार प्राणी है जो कि जल और थल दोनों में रहता है। आप देख सकते हैं एम्फीबियस हिप्पोपोटेमस, जिसे हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा दिखाई दे। फिर हम बर्ड लैंड की ओर चलते हैं, वेलकम टू बर्ड लैंड। यहाँ पे आपको बहुत सारे बहुत ही प्रजाति के बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। फिर हम आगे लव बर्ड देखेंगे, ये आप देख सकते हैं लव बर्ड्स, बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं एक्वा लैंड, यहाँ आपको एक्वेरियम के फिश देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं डॉग फिश, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ये भी एक्वेरियम के फिश है, इसको आप अपने घर पे रख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ये हमारी टीम है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 3++ CG ब्रदर्स।